LG ने अपनी 2023 की UR सीरीज को लॉन्च किया और UR7500 के मैंने दो साइजेस को खरीदा, एक 50 इंच और एक 43 इंच। इन दोनों में मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था लेकिन अच्छा था। ये क्या फर्क के साथ आते हैं और इस UR सीरीज में क्या बेहतर है पिछले साल की यानी 2022 की UQ सीरीज से, ये सारी चीजें मैं आपको इस ट्रूव्यू के अंदर बताने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा वीडियो आपने ना आज तक देखा है और ना ही UR सीरीज का आप देख सकते हैं। और ये दावा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं बनाता। आप ये दो टीवी रखे हुए देख रहे हैं, ये LG ब्रांड ने मुझे नहीं भेजे, इन्हें मैंने खुद खरीदा है, उसके बाद लगातार 100 आवर्स से ज्यादा की टेस्टिंग करी है दोनों टीवीज में और उसके बाद मैं आपको इसका ट्रू व्यू आज दिखा रहा हूं ताकि आप जब इन टीवी को खरीदने या ना खरीदने का फैसला लें तो वो आपका अपना फैसला हो, आप वो खुद डिसाइड करें कि आपको ये टीवी लेना है या नहीं। और वो आप कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेंगे और मेरे प्रोज एंड कॉन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपने मेरे प्रोज एंड कॉन्स पे ध्यान नहीं दिया I am 100% श्योर कि आप एक गलत टीवी खरीदेंगे। बदले में मैं सिर्फ एक ही गुजारिश कर सकता हूं कि मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक को अगर आप यूज करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे तो आपको प्राइस वही मिलेगा जो आपको Amazon पे मिलेगा, बट इस चैनल की फाइनेंशियली मदद होगी जिससे हम थोड़ा थोड़ा कमा के ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और आप तक ऐसे ट्रू व्यूज लेके आ पाते हैं। इस चैनल की सपोर्ट करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इस टीवी की लुक्स के बारे में। एंड दिस ईयर द टीवी लुक्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। LG ने पूरी तरीके से बेजल डिजाइन को बदल दिया है, अब आपको ना के बराबर बेजल्स देखने को मिलेगी। और दिखने में ये सबसे बड़ा चेंज इसलिए है क्योंकि वो थिक बेजल्स जो कि UQ सीरीज में आपको दिखती थी अब वो पूरी तरह खत्म कर दी गई है। बॉडी आज भी प्लास्टिक की है और अगर आप इसे टेबल माउंट करेंगे तो स्टैंड्स भी आज की डेट तक प्लास्टिक के ही हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस टीवी के पीछे दी गई हैं जिसमें 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं और उनमें से एक EARC 2.1 पोर्ट है। अब 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं एक की जगह, विच इज अ गुड थिंग। एक ऑप्टिकल पोर्ट भी आपको मिलेगा और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी जिसमें ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी आपको इस टीवी के अंदर मिलेगी। और साथ में UR7500 के अंदर आपको ये वाला नॉर्मल रिमोट देखने को मिलेगा और इसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक अच्छी बात भी है, आप अगर एक मैजिक रिमोट लेना चाहते हैं जैसे मैंने लिया है तो आप वो ले सकते हैं। LG की सर्विस टीम से अगर आपको ये मैजिक रिमोट नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, आपको Amazon पे ये मैजिक रिमोट खरीदने को मिलेगा और इसकी मैक्सिमम कॉस्ट होगी 1500 रुपीज। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टीवी के लिंक के साथ ही दे दूंगा जिससे आप मैजिक रिमोट को साथ में ही परचेज कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मैजिक रिमोट के फीचर्स आप पिछले वीडियोस में मेरे देख सकते हैं, बट इट इज अ फैंटास्टिक रिमोट कंट्रोल और इसे रखने पे ये टीवी के अंदर स्मार्ट कैपेबिलिटी सारी आ जाती है और यस, इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट मिलेगी। पर अब बात करते हैं मेन चीज की। LG UR7500 के अंदर आपको 8-bit FRC, IPS और VA पैनल, इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप इस टीवी का 43 इंच, 55 इंच या 65 इंच साइज लेते हैं तो आपको उसमें कौन सा पैनल मिलने वाला है ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उस टीवी को रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि LG Amazon से IPS और VA दोनों पैनल्स मिक्स करके भेज रहा है और यही चीज बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब कि आप 43 इंच, 55 इंच या 65 इंच साइज LG UR7500 का लेंगे तो शायद आपको VA पैनल मिले या आपको IPS पैनल मिले, लेकिन अगर आप इस टीवी का 50 इंच साइज लेंगे तो आपको डेफिनेटली एक VA पैनल ही मिलेगा। नाउ मेरे पास एक IPS पैनल है और एक VA और मैं दोनों पैनल्स को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करके आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों पैनल्स हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स की, जो दोनों ही पैनल्स में हमें थोड़े से अलग अलग देखने को मिले बिकॉज दोनों पैनल्स की कॉन्ट्रास्ट रेशो बिल्कुल डिफरेंट है। जहां IPS पैनल के अंदर जो कि 43 इंच साइज है उसके अंदर मुझे 1100:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने को मिली, वहीं
VA पैनल के अंदर मुझे 5400:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिली, विच इज टू गुड. द ब्लैक्स इन द VA पैनल आर जस्ट अमेजिंग. बट इसके साथ ही हमने पीक HDR ब्राइटनेस को भी टेस्ट किया, जो कि दोनों ही पैनल्स में मुझे बिल्कुल सेम मिली. कॉन्ट्रास्ट रेशियो डिफरेंट है, लेकिन पीक HDR ब्राइटनेस दोनों में सेम है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 350 nits. लास्ट ईयर के मॉडल के अंदर यानी UQ7500 के अंदर इट वॉज अराउंड 360 nits और इस बार 350 nits. मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सेम रखी गई है, पर पैनल में क्या कोई चेंज है लास्ट ईयर के मुकाबले? Yes, there is, and the change is significant. पैनल की ब्राइटनेस को कॉम्प्रोमाइज करे बिना LG ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है, जो कि आपको पिक्चर क्वालिटी देखते ही समझ में आ जाएगा, और वो ही मुझे भी आया. एंड आई वॉज यू नो वॉचिंग दिस टीवी विद अ स्माइल, बिकॉज ये टीवी बहुत शानदार HDR कैपेबिलिटीज और बेटर क्लैरिटी के साथ आता है UQ7500 के मुकाबले. एंड दैट इज अ वेलकम चेंज दैट आई वॉन्टेड टू सी इन LG UR सीरीज, और वही मुझे देखने को मिला. जबकि लास्ट ईयर के मुकाबले LG ने पिक्चर प्रोसेसर को चेंज नहीं किया है. आज भी आपको अल्फा 5 जेनरेशन 5 पिक्चर प्रोसेसर देखने को मिलेगा UR सीरीज में, और UQ सीरीज में भी यही पिक्चर प्रोसेसर यूज हुआ था. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द डिफरेंस इज द पैनल क्वालिटी. इस बार जो IPS और VA, क्योंकि दोनों पैनल मेरे पास हैं, उन पैनल्स में जो ओवरऑल HDR कैपेबिलिटीज और जो क्लैरिटी है ये बढ़ गई है. आप पर्टिकुलरली देखिए, जहां पे डार्कनेस यानी शैडोज आपको दिखेंगी किसी सीन में, वहां पे HDR कैपेबिलिटीज आपको थोड़ी बेहतर दिखेंगी लास्ट ईयर के पैनल के मुकाबले. एंड इट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपको अगर एक ही पिक्चर क्वालिटी के अंदर ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी तो आपको कुछ नहीं करना उस यू नो पीक HDR ब्राइटनेस के नंबर से या फिर पिक्चर प्रोसेसर के नाम से. हमें क्या करना है? हमें मतलब है अच्छी पिक्चर क्वालिटी से, जो हमें इसमें देखने को मिल रही है. एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्लैक्स. इस टीवी के अंदर पर्टिकुलरली IPS पैनल वाले टीवी के अंदर भी मुझे ब्लैक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड लगे. मैंने लास्ट ईयर का IPS पैनल के मेरे पास 2 वर्जन्स हैं, और दोनों मैंने साथ में रखे, उन्हें देखा भी, लेकिन इस बार जो ब्लैक्स हैं वो बहुत अच्छे इंप्रूव्ड हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट VA पैनल, क्योंकि उसमें तो ब्लैक्स आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि उसका काम है VA पैनल का वो ब्लैक्स अच्छे दिखाना. उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो इतनी अच्छी है 5400:1, तो वो अच्छे ब्लैक्स दिखाएगा ही. लेकिन IPS पैनल से बहुत अच्छे ब्लैक्स मुझे मिले, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, बट आई एम हैप्पी. लास्ट ईयर के LG UQ सीरीज की तरह आपको LG UR सीरीज के अंदर भी डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको HDR 10 और HLG की सपोर्ट मिलेगी, और साथ में LG का अपना बनाया हुआ वो HDR 10 Pro उसकी भी सपोर्ट मिलेगी. बट डज दैट रियली मेक एनी डिफरेंस? HDR 10 और HDR 10 Pro में कोई बहुत बड़ा फर्क है? नॉट रियली. ये HDR 10 Pro उनका अपना बनाया हुआ एक फॉर्मेट है, जिसमें उनकी चिप की मदद से आपको HDR टोन मैपिंग मिलती है सीन बाय सीन. नाउ इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट नॉट एज मच कि आप उसे बहुत सिग्निफिकेंटली नोट करके ये कह पाए कि भाई वाओ मजा आ गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. बट यस, HDR 10 एंड HLG सपोर्ट इज गुड, और वो जब हमने प्राइम वीडियो पे चेक करा HDR 10 की परफॉर्मेंस को, देन आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज ये ऑलरेडी इम्प्रूव्ड HDR कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला पैनल है. इसमें क्लैरिटी हमें ऑलरेडी ज्यादा मिल रही है, मैं कलर रिस्पॉन्स से ज्यादा बेहतर देख पा रहा हूं, क्योंकि अब कॉन्ट्रास्ट रेशो भी ज्यादा बेहतर है. लास्ट ईयर भी 1100:1 थी, इस साल भी IPS पैनल में 1100:1 है. बट इफ यू गेट मोर HDR कैपेबिलिटीज, अ बेटर HDR कैपेबिलिटीज और ज्यादा क्लैरिटी, तो आपको उसी कॉन्ट्रास्ट रेशियो होते हुए भी ज्यादा मजा आएगा पिक्चर क्वालिटी देखने में, और वही मुझे आ रहा है इस टीवी में. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द VA पैनल, ओह माय गुडनेस, मतलब अमेजिंग पैनल है, मजा आ गया इसको देख के, क्योंकि कलर्स का जो मजा इस पैनल में है वो एक्स्ट्रा वार्म कलर्स चाहे आपको ना देखने को मिले जैसे IPS में मिल रहे हैं, लेकिन जो इसमें नेचुरल कलर प्रोफाइल मुझे मिल रही है वो बहुत सुंदर लग रही है मुझे. देखिए, IPS पैनल में आपको LG के इस पर्टिकुलर IPS पैनल में आपको थोड़े से वार्म कलर्स देखने को मिलेंगे, नो मैटर विच यू नो पिक्चर प्रोफाइल यू चूज.
लेकिन आप जब ये पैनल की तरफ स्विच करेंगे तो आपको नेचुरल कलर थोड़े से दिखेंगे। अगर आप दोनों को साथ में रख के कंपेयर करेंगे आईपीएस एंड वीए तो आपको लगेगा भाई आईपीएस में थोड़े वार्म कलर्स हैं, थोड़े सुंदर लग रहे हैं, बट ओनली फॉर दैट टाइम बीइंग। अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग द वीए पैनल इवन मोर। सो यू नो आई डोंट नो, मेरी अपनी इन दोनों में से चॉइस बनी वीए पैनल टीवी की, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज नो वे दैट यू कैन एक्चुअली चूज कि आपको पैनल कौन सा मिलने वाला है। आप चूज नहीं कर सकते हैं कि भाई मुझे आईपीएस दे दो मुझे वीए लेना है, यू कैन डू दैट ऑन एमेजॉन। बट फॉर्चुनेटली आप में से 50% लोगों को यू नो आईपीएस मिलेगा और 50% को वीए। बट डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम डॉल्बी विजन का कॉन्टेंट देख नहीं सकते इन टीवी से, और क्या वो इस पे दिखेगा, क्या इस पे वो खराब दिखेगा? एब्सोल्यूटली नॉट। मैंने भी जब इन दोनों टीवीज पे डॉल्बी विजन का कंटेंट चलाया देन आई वाज लेफ्ट वेरी हैप्पी, बिकॉज़ देखिए डॉल्बी विजन एक फॉर्मेट है, उसकी सपोर्ट नहीं होने से टीवी ऐसा नहीं है कि उसे प्ले नहीं करेगा या फिर वो खराब तरीके से दिखाएगा और कलर सारे इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टीवी अच्छी एचडीआर कैपेबिलिटीज के साथ आता है और ये डॉल्बी विजन भी एक एचडीआर फॉर्मेट ही है। आपको जब इसकी सपोर्ट नहीं मिलती देन इट डजंट मीन कि वो टीवी खराब हो गया है या वो उसे प्ले अच्छे से नहीं कर सकता है। इट इज शोइंग ऑल द कलर्स ब्यूटिफुली, हमें डिटेल्स भी बहुत अच्छी दिख रही हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशो अच्छी होने की वजह से और जो क्लैरिटी अच्छी हुई है अब इस पैनल में उसकी वजह से मुझे कंटेंट देखने में मजा आ रहा है। और मैंने अलग अलग तरीके के डॉल्बी विजन कंटेंट को चला के देखा, आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी। अब बारी आती है सेट टॉप बॉक्स को लगाने की, और सेट टॉप बॉक्स के अंदर ये टीवी ने बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट करी है। लास्ट ईयर तक मैं ये कहता था कि अपस्केलिंग अच्छी है, बट इस बार मैं ये कहूंगा कि अपस्केलिंग तो बहुत इंप्रूव हो गई है। और इस बार आपको जो सेटअप बॉक्स है एसडी और एचडी कंटेंट अगर आप देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट एसडी, उसमें बहुत मजा आने वाला है। एंड ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं कि अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज एलजी ने कैसे इंप्रूव करी इस बार, दैट आई डोंट नो, बट आई नो दैट हमें अब वो पहले की तरह थोड़ा सा यू नो पिक्सेलेटेड पिक्चर्स नहीं देखने को मिलेंगी एंड इट इज अ गुड थिंग। एचडी चैनल्स में मुझे पहले भी कोई कंप्लेंट नहीं थी, आज भी कोई कंप्लेंट नहीं है और वो वैसे ही शानदार दिखते थे इस टीवी के अंदर। अपस्केलिंग बहुत अच्छी थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट एचडी चैनल्स में यार कुछ मजा ज्यादा आया। आप यूएसबी से अगर कंटेंट चलाते हैं उसमें भी आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी, सभी टाइप के फॉर्मेट्स और सभी टाइप के यू नो वीडियोस आप इससे चला सकते हैं और वो बहुत अच्छे से अपस्केल होंगे और आपको पिक्चर क्वालिटी के अंदर किसी टाइप की कोई परेशानी होगी ही नहीं। एंड नाउ यू नो इसमें क्या बचा यार, और मतलब एक व्यूइंग एंगल्स ही बच गया। अब व्यूइंग एंगल्स के अंदर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आईपीएस पैनल और वीए पैनल के अंदर एक जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएस में आपको बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे जो हमें देखने को मिले, और मुझे किसी टाइप की कोई शिकायत नहीं है। हार्डली 10% का कलर लॉस और ब्राइटनेस लॉस मुझे आईपीएस पैनल से देखने को मिलेगा एक्सट्रीम साइड्स में जाने पे, विच इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। बट वीए पैनल की जहां तक बात है, यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 25% कलर एंड ब्राइटनेस लॉस एंड दैट इज देयर। वो हर वीए पैनल के साथ होता है, इसके साथ भी है, बट द गुड पार्ट इज कि कॉन्ट्रास्ट रेशो इतनी ज्यादा अच्छी है, अगर आपने सामने से बैठ के ये टीवी देखा यू विल स्टार्ट लविंग वीए पैनल टीवीज। एंड पता नहीं क्यों मुझे ये वीए पैनल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अरे सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको मैंने बताया ही नहीं, LG ने इस बार आपको ये टीवीज WebOS 23 के साथ शिप करे हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले ये थोड़े से इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ आता है। इसमें आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज इस बार देखने को मिलेगा, वो कभी होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा, लाइव चैनल्स। अब ये दूसरे ब्रांड्स भी ऐसे ही करते हैं, मतलब सैमसंग के टीवीज के अंदर पर्टिकुलरली आपको लाइव चैनल्स देखने को मिलेंगे। अब वो एलजी ने सोचा मैं क्यों ना करूं यार, मैं भी करता हूं। बट द गुड पार्ट इज कि पिछले साल के मुकाबले अब थोड़ा सा लैग कम हो गया है इस ओएस में। लास्ट ईयर तक थोड़ा सा लैगी था ये, लेकिन इस बार वो लैग नहीं मिला मुझे। इट इज अ गुड थिंग। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट गेमिंग, बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस टीवी। जब हमें गेमिंग कॉन्सोल को लगाया इस टीवी से एंड PS5 को लगाने के बाद जो मुझे मजा आया, दैट वॉज अमेजिंग। क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलता है, HGIG भी मिलता है, और गेमिंग डैशबोर्ड को आप जब ऑन कर लेंगे
तो आपको वो सामने सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, कितने रिफ्रेश रेट पे ये टीवी काम कर रहा है, आप गेम के कॉन्ट्रास्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स को आप वो अप या डाउन कर सकते हैं, जिससे आप एक ऑप्टिमम गेमिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं इस टीवी से। एंड लेट मी टेल यू कि मुझे गेम ज्यादा खेलनी आती नहीं है, आप वो देख सकते हैं कि मुझे इतनी अच्छी गेमिंग नहीं आती, बट स्टिल आई वॉज लविंग द गेम एंड मुझे इतना मजा आ रहा था इस गेम को खेल के that you know I didn't need a 120 hertz TV, मुझे कोई जरूरत नहीं लगी, मेरे पास ना 120 hertz गेम है और ना ही मुझे उसकी इतनी खास जरूरत लगी कि या तो मेरा टीवी लैग कर रहा हो। ऑटो लो लेटेंसी मोड बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा था और LG के हिसाब से जो इनपुट लैग है 9 मिलीसेकंड्स का, उसे मैं टेस्ट कर ही नहीं सकता। आई डोंट नो एक सेकंड को 9 पार्ट्स में स्प्लिट करके 9 मिलीसेकंड्स को कैसे कैलकुलेट करूं, बिकॉज आई डिड नॉट फील द लैग एट ऑल। एंड यू नो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टीवी, दैट HDIG भी आपको मिलता है, तो मैं HDR में गेमिंग भी कर रहा हूं, आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिल रहा है, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। मेरे हिसाब से ये बजट रेंज के अंदर एक अच्छे पैनल के साथ आने वाला फैंटास्टिक गेमिंग टीवी बन सकता है, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। बट शैल वी टॉक अबाउट द ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि उसमें कोई खास चेंज है नहीं, सुनाता हूँ फिर भी आपको सुनिए। You hope for us, never left me to make another love. You can make your share, you will try to find. अब LG के हिसाब से 20 वॉट के ये वाले स्पीकर्स जो कि डॉल्बी डिजिटल के सपोर्ट के साथ आते हैं, आपको वर्चुअल 5.1.2 अपमिक्स जैसी फीलिंग देंगे। कहां थी वो फीलिंग, आपको दिखी क्या? मुझे नहीं दिखी। तो मतलब दिस इज अ नॉर्मल ऑडियो एक्सपीरियंस, सिनेमैटिक तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन आपको अगर सिनेमैटिक धूम धाम ऐसी चीज नहीं चाहिए और आपको डायलॉग सुनने हैं, आपको कंटेंट देखना है, एंड ओनली यू नो थिंग दैट यू केयर अबाउट इज कि कंटेंट जो भाई मैं देख रहा हूं उसकी ऑडियो मेरे कानों तक प्रॉपर आए और मुझे वो समझ में आए, ऐसा ना हो कि मैं करता रहूं हैं, ये नहीं होगा। एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड बेसिक ऑडियो क्वालिटी For the cinematic experience, I highly recommend go for a good soundbar and I recommend कि आप मेरे videos देखें soundbar के, आपको playlist check करनी चाहिए मेरे channel पे। अब हम बात करते हैं इसके price की और pros and cons की। देखो जी, सबसे पहले आपको बताता हूँ इस TV का price। ये 43, 50, 55 और 65 इंच primarily इन चार sizes के अंदर बिकने वाला TV है और UR 7500 के अंदर, ऐसा है already told you, VA और IPS दोनों पैनल्स मिक्स होके शिप होंगे, बट 50 इंच के अंदर गारंटीड आपको VA पैनल मिलेगा, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी गुड थिंग। कम से कम आप श्योर तो हो कि यार ये VA ही है, तो चलो मतलब बाकियों में श्योरिटी नहीं है और ये सारे प्राइसेस आपके सामने हैं। नाउ अनदर गुड थिंग इज कि आपको मैजिक रिमोट जो नहीं मिलता, मतलब ये वाला जो रिमोट मिलता है, अगर आपको ये नहीं चाहिए और मैजिक रिमोट साथ में खरीदना है, तो इस बार LG ने या फिर Amazon ने, कह दे किसने ज्यादा अच्छी समझदारी करी आई डोंट नो, बट ये Amazon पे आपको मैजिक रिमोट का लिंक यू नो बहुत मतलब बहुत बढ़िया है, 1500 रुपीज के अंदर मिलेगा आपको। मैं इसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको गलत मैजिक रिमोट नहीं लेना है। गलत मैजिक रिमोट लोगे तो वो इस टीवी के साथ पेयर नहीं होगा, आपको वही मैजिक रिमोट लेना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट। सस्ता या महंगा मैजिक रिमोट नहीं, वही जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले आपको इस टीवी के कॉन्स बताऊं, आज भी LG ने डॉल्बी विजन नहीं दिया, मतलब नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, आप कुछ कर लो। द सेकंड थिंग इज दैट यू नो पैनल में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो पिक्चर प्रोसेसर आज भी वही है, मतलब वो अल्फा 5 जनरेशन 5, यार एक साल हो गया, बदल दो यार, मतलब थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा चेंज कर सकते थे, बट नहीं, वो नहीं, पिक्चर प्रोसेसर वही है। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने प्राइस सेम रखा है, रादर इंस्टेड थोड़ा सा 500,000 रुपए लास्ट ईयर से कम ही प्राइस पे लॉन्च किया है, विच इज अ गुड थिंग। इन यू नो इन ऑर्डर टू कीप द प्राइसिंग सिमिलर, उन्होंने थोड़ी सी शायद कॉस्ट कटिंग की है सेम पिक्चर प्रोसेसर में, बट दैट इज ओके एज लॉन्ग एज हमें अच्छा पैनल मिले और अच्छी HDR कैपेबिलिटीज मिले, जो कि डेफिनेटली मिल रही है। वैसे बाय द वे आई हैव स्विच्ड टू प्रोज नाउ, तो मैं आपको प्रोज बता रहा हूं।
अच्छी HDR capabilities मिले, then it is acceptable. और वही हमें इन दोनों TVs के अंदर मिलता है. मुझे दोनों पैनल से कोई शिकायत नहीं है. पहले मैं कहता था यार वो VA वाला मत लेना यार उसका UQ7500 का, but now that's no more the case. VA पैनल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता हो कि आपको कौन सा पैनल मिल रहा है एंड यू गेट सैड कि यार मेरा तो VA पैनल आया, अब क्या करूं, रिप्लेस कराऊं, चेंज कराऊं, कोई जरूरत नहीं है. VA पैनल बहुत शानदार आया है. IPS पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे, रादर इंप्रूवमेंट ही लगी है लास्ट ईयर से. दी पर्टिकुलर थिंग दैट आई लाइक इज HDR10 परफॉर्मेंस, जो लास्ट ईयर के मुकाबले अब इंप्रूव हो गई है. आप भी अगर ये कंटेंट प्राइम वीडियो पे देखेंगे HDR10 का, तो मुझे उसके अंदर और ज्यादा डिटेल्स दिखी. यू नो लास्ट ईयर का भी अब आप देखिए, उसके अंदर आपको जो डिटेल्स दिख रही हैं वो मुझे भी थोड़ी कम दिखी. अब थोड़ी सी ज्यादा दिख रही हैं तो मैं मना थोड़ी कर दूंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए डिटेल्स, और चाहिए, एब्सोल्युटली चाहिए. और यही चीज होती है एक अच्छे पैनल की निशानी. अब एक और चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस बार थोड़ा मोशन ब्लर भी कंट्रोल्ड है. आपने किसी भी सीन के अंदर जो भी आपने देखा इस वीडियो के अंदर टीवी पे चलते हुए, कहीं पे भी आपको मोशन ब्लर दिखा, मुझे कहीं दिखा ही नहीं. एंड लेट मी टेल यू, मैंने इसकी ट्रू मोशन को कंप्लीटली ऑफ कर रखा है, तो मैं ये वाला पर्टिकुलर सीन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप उसके बावजूद देखिए मोशन ब्लर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा इस टीवी के अंदर. एंड यू नो दिस इज व्हाट वी नीड, क्योंकि हम एक आम लोगों को अगर एक टीवी लेना है तो हमें वो बाकी सारी चीजें शायद फीचर्स भी समझ ना आए, और हमें टीवी ऐसा लेना है कि भाई टीवी ऑन करा, उसको चला के देखा, बस दैट्स अबाउट इट. एंड ये है प्लग इट, स्विच इट ऑन एंड वॉच द कंटेंट, इट इज एज गुड एज यू वांट इट. सो ये एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे इस बार इम्प्रूव लगी वो ये है. व्यूइंग एंगल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि VA पैनल के आपको थोड़ा सा कलर और ब्राइटनेस लॉस ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन विद द IPS पैनल, उसमें ना के बराबर 10% के आसपास, वो तो ऑब्वियस है सब में ही मिलता है, लेकिन VA में आपको 25% के आसपास मिलेगा, विच इज ओके. बट जो ब्लैक्स मिलते हैं यार VA में, मतलब 5400:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो. मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीवीज देखे हैं VA पैनल के, मतलब सैमसंग के, और मैंने सोनी के भी देखे हैं, बट यू नो इनफैक्ट LG के भी देखे हैं जो VA पैनल के टीवीज आते हैं नैनोसेल सीरीज के अंदर, उसमें 5400:1 की कॉन्ट्रास्ट नहीं है. नाउ ये एक बहुत ही अच्छा और वेलकम चेंज है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू नो दोनों पैनल्स आपस में एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर देते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी गुड. ओके नाउ द वर्डिक्ट, आपको क्या UQ सीरीज का टीवी लेना चाहिए या फिर आपको नई 2023 की UR सीरीज का टीवी लेना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा प्राइस में डिफरेंस ना हो, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप UR सीरीज का टीवी लें, क्योंकि ये उससे मल्टीपल फोल्ड्स आगे बढ़ चुका है. पिक्चर प्रोसेसर सेम है, ऑन पेपर दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आपको वो पिक्चर प्रोसेसर नहीं दिखने वाला है जब आप टीवी ऑन करेंगे, आपको दिखेगी पिक्चर क्वालिटी जो बहुत इंप्रूव हो गई है बिकॉज द पैनल इज चेंज्ड. नाउ यू नो यू हैव टू सी योर बजट. आपको 43, 50, 55, 65 चारों साइजेस के मैंने लिंक्स दिए हैं, UR सीरीज के भी और UQ सीरीज के भी. मेरे लिंक से लेने पे आपको पता है इस चैनल की फाइनेंशियली मदद होगी बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए. आप प्लीज अगर वो वाला लिंक यूज करेंगे तो यू नो आई कैन एडवांस में थैंक यू. एंड आपको VM1 टीवी लिस्ट भी डाउनलोड करनी चाहिए, उसके अंदर मेरे सारे रेकमेंडेड टीवीज हैं और उन्हें आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मॉडल्स हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता. आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और आपको जुड़ना चाहिए मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ. मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे जरूर जुड़ें, क्योंकि आने वाले कोई भी डिस्काउंट्स, कोई भी डील्स जो भी होंगी वो मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा और आपको सबसे पहले पता चलेगा. कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी. देखते रहिएगा मेरे बहुत सारे ट्रू व्यूज, चैनल को एक्सप्लोर करिए और जाइए. बाय बाय.